हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता डावरा। मेरे चैनल में मेरे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर का स्वागत है और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज हम एक ये बड़ा ही सुंदर सा निटिंग पैटर्न सीखेंगे। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट पे डालें, जेंट्स स्वेटर में डालें, लेडीज़ कार्डिगन में डालें, जैकेट में डालें, बहुत सुंदर लगेगा। और ये इस पैटर्न की राइट साइड और ये इसकी बैक साइड है। इसे बनाने के लिए जो हमें स्टिचेस चाहिए होंगे वो हमें चाहिए 10 के मल्टीपल में प्लस 3 फंदे एक्स्ट्रा, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 फंदे, इस तरह से 10-10 फंदे गिनते जाएं और लास्ट में हमें 3 फंदे एक्स्ट्रा चाहिए होंगे यहाँ पे। और सीधी तरफ से ये पैटर्न शुरू होगा। 16 रोज का ये पैटर्न है। तो चलिए अब हम इस पैटर्न को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए ये देखिए मैंने स्टिचेस डाल लिए हैं। इसके जो मैंने स्टिचेस डाले हैं ये डाले हैं मैंने 10 के मल्टीपल में 20 और 3 फंदे एक्स्ट्रा। तो बॉर्डर के बाद जो पहली सिलाई आएगी सीधी तरफ से वो इस तरह से आएगी। पहला एज वाला फंदा है, आपकी मर्जी है इसे बनाएं या उतारें, मैं इसे उल्टा बना लेती हूँ। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू होगा। एक फंदा सीधा, इस तरह से जाली डालेंगे, 2 का 1 करेंगे, 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5 और फिर से 2 का 1 करेंगे और इस तरह से जाली डालेंगे। तो ये हमारा 10 फंदों का पैटर्न है। ये देखिए एज वाले फंदे को छोड़ के 2, 4, 6, 8 और 10 हमने क्या करा, एक फंदा सीधा, जाली डाली, 2 का 1 करा, 5 फंदे उल्टे, 2 का 1 करा और जाली डाली। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू हो रहा है। एक फंदा सीधा और इस तरह से जाली डाली, 2 का 1 करा, 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5 और लास्ट में 2 का 1 करा और इस तरह से जाली डाली, एक फंदा सीधा और लास्ट एज वाला फंदा। अब हमारी पैटर्न की सेकेंड रो है बैक साइड। अब इस पैटर्न का इजी ये है, बैक साइड से सारी सिलाइयाँ उल्टी आएंगी। 16 रोज का ये पैटर्न है तो मैं उल्टी सिलाइयाँ नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सेकेंड रो पल ऑल द स्टिचेस, पूरी सिलाई हमें उल्टी उल्टी बनानी है। जब तक ये मैं उल्टी सिलाई बनाती हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए दूसरों के साथ ताकि और लोग भी इसको बनाना सीख सकें। और ये पूरी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे। अब हमारी पैटर्न की थर्ड रो है फ्रंट साइड। एज वाला फंदा उल्टा बनाया। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू हो रहा है। 2 फंदे सीधे, 1, 2 इस तरह से जाली डालेंगे, 2 का 1 करेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3 अब 2 का 1 करेंगे और इस तरह से जाली डालेंगे, 1 फंदा सीधा। तो अब हमें इसी को बार बार रिपीट करना है। अब ये देखिए हमने क्या करा, एक फंदा सीधा एज वाले को छोड़ के 2 फंदे सीधे, जाली डाली, 2 का 1 करा, 3 फंदे उल्टे, 2 का 1 करा, 1 फंदा सीधा और जाली डाल के 1 फंदा सीधा। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू हो रहा है। 2 फंदे सीधे, इस तरह से जाली डालेंगे, 2 का 1 करा, 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3 फिर से 2 का 1 करा, इस तरह से जाली डालेंगे और 1 फंदा सीधा, लास्ट में 2 फंदे बचेंगे, 1 सीधा और लास्ट एज वाला फंदा। अब हमारी पैटर्न की
फोर्थ रो है बैक साइड, फिर से पूरी सिलाई हमें उल्टी बनानी है, पल ऑल द स्टिचेस, अब हमारी पैटर्न की फिफ्थ रो है फ्रंट साइड, एज वाला फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, इस तरह से जाली डालेंगे, दो का एक करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर से दो का एक करा, इस तरह से जाली डाली और दो फंदे सीधे, एक दो, तो ये हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हुआ। एज वाले फंदे को छोड़ के तीन फंदे सीधे, जाली डाली, दो का एक करा, एक फंदा उल्टा, दो का एक करा, जाली डाली, दो फंदे सीधे। अब रिपीट पैटर्न, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, इस तरह से जाली डालेंगे, दो का एक करा, एक फंदा उल्टा, फिर से दो का एक करा और इस तरह से जाली डाली, दो फंदे सीधे, एक दो, लास्ट में ए दो फंदे फंसे, एक सीधा, लास्ट एज वाला फंदा। अब हमारी पैटर्न की सिक्स्थ रो है बैक साइड, पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे, पल ऑल द स्टिचेस, अब हमारी पैटर्न की सेवन्थ रो है फ्रंट साइड, एज वाला फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, इस तरह से जाली डालेंगे और तीन का एक करेंगे इस तरह से, और इस तरह से जाली डालेंगे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, तो ये एक पैटर्न कंप्लीट हो गया हमारा। हमने क्या करा, एज वाले फंदे को छोड़ के चार फंदे सीधे, जाली डाली, तीन का एक करा, जाली डाली और तीन फंदे सीधे। अब रिपीट पैटर्न शुरू हो रहा है, चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, इस तरह से जाली डालेंगे, तीन का एक करेंगे, इस तरह से जाली डालेंगे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, लास्ट में दो फंदे बचे, एक सीधा और ये एच वाला फंदा। एट्थ रो बैक साइड, पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे, पल ऑल द स्टिचेस, अब हमारी पैटर्न की नाइन्थ रो है, अब यहाँ चेंज होगा थोड़ा सा पैटर्न, ध्यान से देखिए, एज वाले फंदे को उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन और आगे से दो का एक करेंगे इस तरह से, इस तरह से जाली डालेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर इस तरह से जाली डालेंगे, बैक से दो का एक करेंगे, और दो फंदे सीधे, तो हमें इसी को रिपीट करना है। हमने क्या करा, तीन फंदे सीधे बनाए और फिर हमने दो का एक करा, जाली डाली, एक फंदा उल्टा, जाली डाली, दो का एक करा और तीन दो पाँच दो सात दो नौ और एक दस, दो फंदे लास्ट में सीधे। तो अब हमें इसी को रिपीट करना है। अब ये देखिए, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, दो का एक करेंगे आगे से और इस तरह से जाली डालेंगे, एक फंदा उल्टा
और इस तरह से फिर से जाली डालेंगे, बैक से दो का एक करेंगे। अब लास्ट में तीन फंदे सीधे, एक, ये दो फंदे पैटर्न के हैं और ये वाला एडजस्ट करने के लिए, और ये एज वाला फंदा। अब हमारी पैटर्न की 10th रो है बैक साइड। पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे, पाल ऑल द स्टिचेस। अब हमारी पैटर्न की 11th रो है फ्रंट साइड। एज वाला फंदा उल्टा बनाया, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, एक, दो। अब यहाँ से आगे से दो का एक करेंगे, इस तरह से जाली डालेंगे और तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन। इस तरह से जाली डालेंगे और बैक से दो का एक करेंगे, एक फंदा सीधा। तो हमें इसी को रिपीट करना है। 11th रो में दो फंदे सीधे, दो का एक करा, जाली डाली, तीन फंदे उल्टे, जाली डाली, दो का एक करा, एक फंदा सीधा। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू हो रहा है। दो फंदे सीधे, दो का एक करा, इस तरह से जाली डालेंगे, तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन। और इस तरह से जाली डालेंगे, बैक से दो का एक करेंगे। ये तीन फंदे बचे लास्ट में हमारे पास, दो सीधे और ये एज वाला फंदा। अब हमारी पैटर्न की 12th रो है बैक साइड। फिर से वही पूरी सिलाई हमें उल्टी उल्टी बनानी है, पाल ऑल द स्टिचेस। अब हमारी पैटर्न की 13th रो है फ्रंट साइड। एज वाला फंदा उल्टा बनाया, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, दो का एक करेंगे, इस तरह से जाली डालेंगे। अब पांच फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच। इस तरह से जाली डालेंगे, बैक से दो का एक करेंगे। अब एक फंदा तो ये हमारा एक रिपीट पैटर्न ख़त्म हुआ। यहाँ से अब दूसरा पैटर्न शुरू हो रहा है। हमने क्या करा, एक फंदा सीधा, दो का एक करा, जाली डाली, पांच फंदे उल्टे, जाली डाली, दो का एक करा। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू होगा। एक फंदा सीधा, दो का एक करा, इस तरह से जाली डालेंगे, पांच फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच। और इस तरह से जाली डालेंगे, बैक से दो का एक करेंगे और एक फंदा सीधा, लास्ट एज वाला फंदा। अब हमारी पैटर्न की 14th रो है बैक साइड। सेम वैसे ही बनानी है, पूरी सिलाई हमें उल्टी उल्टी बनानी है, पाल ऑल द स्टिचेस। तो ये पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। अब हमारी पैटर्न की 15th रो है फ्रंट साइड। एज वाला फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, दो का एक करेंगे इस तरह से आगे से, और इस तरह से जाली डालेंगे, सात फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। और इस तरह से अब जाली डालेंगे। यहाँ पे ये तीन फंदे हैं, तीन का एक करेंगे बैक से इस तरह से, और इस तरह से जाली डालेंगे। अब सात फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात।
और इस तरह से जाली डालेंगे, बैक से दो का एक करेंगे और लास्ट एज वाला फंदा। अब हमारी पैटर्न की 16th रो है बैक साइड। अगेन पूरी सिलाई हमें उल्टी बनानी है, पर्ल ऑल द स्टिचेस। तो ये हमारी पैटर्न की 16 रो पूरी हो गई है। अब हमारा पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है, तो हमें फिर से पहली सिलाई से इसे रिपीट करना शुरू कर देना है। तो जब हम इन 16 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते जाएंगे, तो इस तरह से ये देखिए एक बड़ा सुंदर सा पैटर्न बनके रेडी हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये पैटर्न पसंद आया होगा, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा होगा। तो फिर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में।